दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले हर पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गई है। वहीं सदस्यता अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तेजी के साथ अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुट गए हैं, तो वहीं बीजेपी भी एमसीडी की सत्ता पर दोबारा से काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है और सदस्यता अभियान को तेजी के साथ चलाया जा रहा है। शुक्रवार के दिन दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में कांग्रेस से पूर्व निगम पार्षद अनिल वशिष्ठ ने बीजेपी का दामन थामा। अनिल वशिष्ठ को भाजपा में शामिल करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उनके साथ आए सभी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई। विभिन्न दलों के लोग पार्टी को ज्वाइन किया है, परिवार को बढ़ाया है। मैं अनिल वशिष्ठ जी, जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और संदीप चौधरी जी, जो शिवसेना दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। मैं उनका दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वहीं शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी भी शिवसेना को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही भाजपा में शामिल हो गया हो, तो उसका अब क्या होगा। मनोज तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री की नीतियों और पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। जो अपनी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, जब सेनापति ही चल दिया कहीं, तो ये मान ही लिया जाना चाहिए कि पार्टी खत्म, दिल्ली की पार्टी कहीं नहीं, यही यही कहीं नहीं गए हम, यहाँ तो अपने घर में आए। संदीप जी ने कहा, ये वास्तव में आज की दिल्ली की बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनिल वशिष्ठ और शिवसेना छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संदीप चौधरी ने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली में हम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे और मौजूदा सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने लाएंगे। वर्तमान में जो हमारे सांसद भी हैं, बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं शामिल हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं बार बार उनका बुलाना, उनका प्यार, उनका जो व्यवहार मेरे प्रति रहा हमेशा, एक बहुत बड़ा कारण है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। तो मनोज तिवारी जी हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो विचारधारा की राजनीति करते हैं, अवसरवाद की राजनीति नहीं करते कि आज जिस पार्टी की लहर चल रही है उस पार्टी में भगो। जैसा कि आज दिल्ली के अंदर माहौल आम आदमी पार्टी का चल रहा है, और ये मान के चले कि मैं अगर अपने घर में वापस आया हूं, तो अपने घर में लगी सेंध को रोकने के लिए आया हूं। जिस कमेटी का अध्यक्ष जी बता रहे थे, मुझे चेयरमैन बनाया गया स्क्रीनिंग कमेटी का। कोई भी जब दूसरे दल से कोई ज्वाइन करता है, तो आप ये समझिए कि एक अच्छी खासी लंबी संख्या है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उनमें से स्क्रीन करके जिन लोगों के बारे में ये लगता है कि इनके आने से पार्टी को लाभ होगा, और जिनके बारे में ये लगता है कि ये अपने विचारों से सहमत हैं, और जिनके बारे में ये है कि इनके नरेंद्र मोदी जी के कामों के अंदर विश्वास है, उन लोगों को हम प्रेफर करते हैं कि वो पार्टी में ज्वाइन करें। बहरहाल हर एक पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन चुनाव में कितना लाभ इन सदस्यताओं का मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।